हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ। ट्वेल्थ क्लास के 5.7 तक हम कर चुके हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.8, और 5.8 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, अब हम इस एक्सरसाइज में समझेंगे कि हमारे पास रोल्स थ्योरम और एक मीन डेरिवेटिव थ्योरम आएगी। हमारे पास दो थ्योरम दी हुई है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, बिल्कुल इजी हैं। देखते हैं कैसे। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, और x बिलोंग करता है -4 और 2 के बीच में। -4 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास इंटरवल कैसा दे रखा है? ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है? -4 से 2 तक बिलोंग करता है। -4 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड, सॉरी ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल पे दोनों वैल्यू गिवन है आपके पास और दोनों इंक्लूड भी होती हैं। तो हमें इस फंक्शन के ऊपर वेरीफाई करके दिखाना है रोल्स थ्योरम को। कैसे करना है देखो। सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि फंक्शन एफ इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लास इंटरवल। सबसे फर्स्ट हमारे पास रोल्स थ्योरम का क्या होता है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टीन्यूस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टीन्यूस आपने पहले भी पढ़ा था, और फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 5.2 उसमें पढ़ा था आपने कि कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई है, पॉलिनोमियल हमेशा कैसी होती है? कॉन्टीन्यूस होती है। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया डायरेक्ट, फंक्शन एफ इज ए पॉलिनोमियल, की जो फंक्शन एफ वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है, और एक्स सो इट इज कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल, किस पे? -4 और 2 जो इंटरवल दे रखे इस पे ये क्या होगा? कॉन्टीन्यूस होगा। उसके बाद हम बताते हैं कि फंक्शन डेरिवेबल भी होना चाहिए। डेरिवेबल के लिए देखो, ये हमारे पास फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन वो डेरिवेबल भी होता है। एफ एक्स था, एफ डैश एक्स निकाल देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2x+2। अब देखो 2x+2 आ गया, तो ये डेरिवेबल भी है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, जो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है वो हमेशा क्लोज इंटरवल पे होता है, डेरिवेबल हमेशा ओपन इंटरवल पे होता है। तो फंक्शन अब वो डिफरेंशिएबल हो गया किस पे? ओपन इंटरवल -4, 2 पे। उसके बाद सेकंड हमारे पास, फर्स्ट था कॉन्टीन्यूस होना जरूरी है, सेकंड क्या आया हमारे पास है? कि डिफरेंशिएबल भी होना जरूरी है। दो कंडीशन हमारे पास हर एक के लिए होंगी, ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड हमारे पास जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि ये जो दो वैल्यू है इन दोनों के ऊपर वैल्यू सेम आएगी हमारे पास। फंक्शन हमारे पास जो भी दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू f -4 और f 2 है वो दोनों क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। इसको a ले सकते हैं, इसको भी f a इज इक्वल टू एफ बी। एफ -4 -4 पुट कर दिया हमने, क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर +2 × -4 -2। 4 -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16, और 4 × 2 = -8 -8 -8 -16, और +16 क्या आएगा? 0। फिर हमने 2 पुट किया, 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +2 × 2 = 4 -8 4 = 8 8 -8 0। दोनों इक्वल आ गए तो हमने क्या लिख दिया? सो f -4 इज इक्वल टू f -2। ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाई। जो रोल्स थ्योरम है उसके तीन कंडीशंस थी, और तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हो गई? सेटिस्फाई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आगे हम क्या करेंगे कि जो हमें एक हम एफ डैश एक्स जो हमने निकाला था वो इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एक डेरिवेटिव के लिए एक पॉइंट निकालेंगे जो इन दोनों के बीच में अप्लाई होगा। कैसे? जो हमने एफ डैश एक्स निकाला था उससे कर रहे हैं हम। देयर मस्ट बी नंबर सी बिलोंग्स टू -4 से 2। सी हमने कोई भी एक ऐसा पॉइंट ले लिया कि जो इसके बीच में लाई करेगा, सच दैट देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया? सी। क्या आ जाएगा? 2c+2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने वैल्यू अप्लाई कर दिया, सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर लेके आए 2 को, इधर लेके आए -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया? -1। और जो -1 है वो -4 और 2 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हमारे पास सी कहाँ बिलोंग करेगा? -1 है, वो बिलोंग करेगा -4 और 2 के बीच में। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास
सेकंड रॉल्स थ्योरम एफ एक्स इज इक्वल टू, अब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है किस किस पे, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। अब वे आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो हम क्या बोल देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल एफ 5 9। जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता 5 to 9 पे, और ना ही वो डिफरेंशिएबल होता, नॉर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5 9, और ना ही वो डिफरेंशिएबल होता आल्सो, तब उसके अंदर एफ 5 और एफ 9 की वैल्यू भी इक्वल नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर 5 वैल्यू पुट करेंगे तो 5 देगा, 9 वैल्यू पुट करेंगे 9 देगा, तो इक्वल नहीं आएंगी। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, तो हम क्या बोल देंगे, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड में दे रखा है एफ इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, उसमें भी वही आएगा सेम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कॉन्टीन्यूस इन क्लोज इंटरवल -2 से 2 और नॉट डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल -2 से 2, आल्सो एफ -2 नॉट इक्वल टू एफ 2, सो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद है थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस। सेकंड कंडीशन होती है डेरिवेबल, एफ डैस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, एफ इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल, एफ है वो डेरिवेबल है किस पे, ओपन इंटरवल 1 से 2 पर, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार 1 और एक बार 2, एफ 1 क्या निकाला 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है उसमें क्या था कि दोनों इक्वल आएंगे, ये इक्वल नहीं है, तो क्या बोल देंगे, नॉट एप्लीकेबल रोल से थ्योरम। जब तीनों में से कोई एक कंडीशन भी ऐसी आ जाती है कि वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, रोल्स थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, इफ एफ -5 to 5 आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ एफ डैस एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ -5 नॉट इक्वल टू एफ 5। वेनिश का मतलब क्या होता है, डू नॉट वेनिश एनीवेयर, किसी भी उससे खत्म, वेनिश मीन्स खत्म, अगर इसको हम कहीं से भी खत्म कर दें, जैसे f -5 से 5 दे रखा आपको, आपको ये बताना है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f डैश x है वो डज नॉट वेनिश एनीवेयर, कहीं भी ख़त्म नहीं होता, प्रूव दैट, तो प्रूव करेंगे कि f -5 है वो f 5 के इक्वल नहीं है। f -5 से 5 है, r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, इस पे बोल रखा है कि जो भी फंक्शन वो इसके ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हम क्या बोल देंगे, अगर डिफरेंशिएबल है तो उससे पहले कंडीशन तो क्या आएगी कि कंटिन्यूस भी होगा, जब डेरिवेटिव कर सकते हैं किसी का तो वो इट मीन्स फंक्शन डेरिवेटिव, उससे पहले कंटिन्यूस भी होगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस इन -5 to 5 और फंक्शन इज डेरिवेबल इन -5 to 5 एट मीन वैल्यू थ्योरम। फिर हमारे पास थ्योरम क्या है इसके अंदर, मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू, तो हमारे पास जो वैल्यू वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि सी है वो बिलोंग करेगा -5 से 5 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ 5 - f -5। यहाँ पे हम सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू होती है वो, फिर माइनस छोटे वाली वैल्यू 5 माइनस, मीन्स ए और बी जो हमारे पास होता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई, इसकी मैं कंडीशन लिख देती हूँ, एफ डैश सी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसके अंदर अप्लाई कर दिया, बी हमारे पास क्या है 5 और ए हमारे पास क्या है -5, ये आ जाएगा, बट एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनी वेयर, और एफ डैश एक्स है वो कहीं भी ख़त्म नहीं होता क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 10, एफ 5 और -5 दोनों वैल्यू पुट करेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी तो इट मीन्स दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, अगर इक्वल 0 होती तो फिर तो हम मानते कि भी हाँ ये दोनों इक्वल है, बट जब नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो क्या बोल देंगे कि एफ 5 है वो नॉट इक्वल टू एफ डैश 5 है। उसके बाद है फोर्थ, वेरीफाई एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम, इफ
एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इन द क्लास इंटरवल ए टू बी, वेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू फोर। तो इंटरवल क्या हो गया, वन टू फोर। एफ एक्स हमारे पास दे रखा है और एक्स कहाँ से कहाँ है, वन टू फोर। सबसे पहले फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस भी होगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, मिड पॉइंट थ्योरम की जो हमारे पास फर्स्ट भी कंडीशन सेम होती है, सेकेंड भी सेम होती है, बट थर्ड इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया कि ये क्लोज इंटरवल पे है और ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे तो क्या बोल देंगे, डेरिवेबल एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस फोर। देन फंक्शन इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल वन टू फोर। फंक्शन डेरिवेबल भी हो गया एट ए टी एम वैल्यू थ्योरम। अब हम देखते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या है, वो वाई है जो जो सी है वो बिलोंग करता है वन से फोर, सच दैट ये कंडीशन हमारे पास इसके अंदर अलग होगी कि एफ डैश सी, ये मैंने ऊपर लिख दी थी आपको, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी, एफ डैश सी हमारे पास क्या है, इधर से हमने निकाला था टू एक्स माइनस फोर, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, टू सी माइनस फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ फोर, फोर वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, फोर का स्केयर सिक्सटीन, माइनस फोर फोर जाए सिक्सटीन, माइनस थ्री, माइनस वन पुट करेंगे तो वन, माइनस फोर माइनस थ्री। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा, और बाई में क्या, 4 माइनस 1 3, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, माइनस 3 और 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, 1 माइनस 7 क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 और प्लस का 6 आ जाएगा, तो 6 में 3 करेंगे 3, 3 बाई 3 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 सी माइनस 4 इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 को उधर लेके गए प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 5, और ये इधर बाई में आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5 बाई 2। तो सी हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 5 बाई 2 बिलोंग्स टू 1 टू 4, मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इन द इंटरवल वेयर ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू थ्री, फाइंड ऑल वैल्यू वन टू थ्री फोर सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू जीरो। देखो सबसे पहले फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, और फिर डेरिवेबल होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, थ्री एक्स स्क्वेयर फाइव टू जहाँ माइनस टेन एक्स माइनस थ्री, तो फंक्शन डेरिवेबल है कहाँ से कहाँ, वन से थ्री पे। अब हम मिड वैल्यू थ्योरम पे देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू, एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी की वन टू थ्री, वन से थ्री के बीच में करेगी, कैसे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ थ्री माइनस एफ वन बाई थ्री माइनस वन। एफ डैश सी हमने क्या निकाला, थ्री सी स्क्वेयर माइनस टेन सी माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री वैल्यू पुट करेंगे, थ्री का क्यूब 27, थ्री का स्क्वेयर 995 या 45 माइनस थ्री, थ्री जहाँ नाइन, माइनस वन वैल्यू पुट करेंगे, वन माइनस फाइव माइनस थ्री आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन टू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस फोर फाइव, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 माइनस का 45 है माइनस का 9 क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और 54 में से 27 को करेंगे माइनस से 27 आ जाएगा। अब इधर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, 8 में से बन जाएगा 7 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 7 बाई 2 आ जाएगा, तो 27 और 7 कितना आ जाएगा, माइनस 20 बाई 2, 2 से कैंसिल कर माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 10 को इधर लेके आएंगे प्लस 10, 10 में से 3 जाएगा 7, क्या आ जाएगा, 3 सी स्क्वेयर माइनस 10 सी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके हमने फैक्टर किए, 3c माइनस 7 आ जाएगा, और c इंटू सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर से वैल्यू निकाल लेंगे हम, इधर से इसको 0 करेंगे 1 आ जाएगा, इसको करेंगे 7 बाई 3 आ जाएगा, दो वैल्यू आ गई। अब जो 1 है और 7 बाई 3 है, इन दोनों को देखते हैं कि 1 और 3 के बीच में लाई करता है, 3 से कैंसिल कर देंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। थ्योरम वेरीफाइड, द वैल्यू ऑफ सी क्या आ जाएगी, 1 7 बाई 3, द फंक्शन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ये दे रखा है एप्लीकेबिलिटी बतानी है कि एफ इज पॉलिनोमियल सो इट इज़ कॉन्टीन्यूज इन वन टू। हमारे पास फर्स्ट दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो हमारे पास वही हो जाएगा जैसे हमने ऊपर किया था पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना कि एफ एक्स है। अब फर्स्ट ही कंडीशन क्या हो जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कैसा होगा हमारे पास फंक्शन,
नॉट कॉन्टीन्यूस होगा, नॉट कॉन्टीन्यूस होगा तो आगे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है सेकंड दे रखा है, सेकंड पे अप्लाई करके दिखाते हैं कि एक ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा वन से टू पे, फिर इसका डेरिवेबल कर देंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज डिफरेंशियबल इन वन टू टू। मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास नॉट एप्लीकेबल टू फंक्शन, इस पे वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी क्यों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर, एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, सो एम वी थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे कि इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल होगी। कैसे होगी, क्योंकि अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भी इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है, तो इसके लिए हम बोल देंगे कि एप्लीकेबल है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.8। ओके, थैंक यू।